यह है शारजा का यूनिवर्सिटी का एरिया। यहाँ पे यूनिवर्सिटी सिटी बोलते हैं इसको, और यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आते हैं आजू बाजू कॉलेजेस में। ये बहुत ही खूबसूरत और खुला एरिया है, यहाँ पर लोग शाम के वक्त वॉक करने भी आते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप देख सकते हैं कि मैं रेडी हुई हूँ। तो रेडी होकर हम जा रहे हैं आज हरजीत भाभी के घर। सरब का बर्थडे था 10 दिसंबर को, पर क्योंकि उन लोग सब तबीयत खराब थी, यहाँ सबको फ्लू ये सब चल रहा था और अंकल बीच में एडमिट भी हो गए थे, तो उस टाइम उसका बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किए। तो आज फिर सैटरडे पड़ा है, तो यहाँ पे अभी चेंज हो गया ना वीकेंड, सैटरडे और संडे होता है, तो इसलिए आज उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हम वहीं जा रहे हैं। तो अभी सबसे पहले उसके लिए गिफ्ट खरीदेंगे, फिर उनके घर जाएंगे। तो चलिए चलते हैं। इयररिंग और चेन मेरे को थोड़ा टू सिंपल लग रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कि ये मैं चेंज कर लेती हूँ। और हाँ, मैं कई बार मुझे लाइक पहले कमेंट आता था कि आप अपना गोल्ड कलेक्शन शेयर करना, तो असल में मसला ये है कि मेरा आधा गोल्ड यहाँ रहता है और आधा इंडिया में लॉकर में रहता है, क्योंकि जब हम इंडिया जाते हैं तभी ज़्यादा चीज़ें पहनने का हम लोगों को मौका लगता है। तो फिर भी जो भी चीज़ें मेरे पास यहाँ पे है, अगर आप कमेंट करेंगे कि आपको मेरा गोल्ड कलेक्शन देखना है तो कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगी। फिलहाल के लिए ये चेंज कर लेते हैं। मैं सोच रही हूँ ये सोरोस्की का जो मम्मी मेरे लिए एक नेक पीस लेकर आए थे यूरोप से, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मेरे पेरेंट्स गए हुए थे यूरोप, तो वहाँ से ना फ्रांस से या कहाँ से, तो भी आई थिंक फ्रांस से ही सोरोस्की का मेरे लिए एक नेक पीस लेकर आए थे। मैं वो पहनने वाली हूँ, तो मैं आपको वो दिखाती हूँ ओपन करके। इसकी पैकिंग भी इतनी अच्छी है ना, ये पैक है, फिर इसके अंदर ये पैक है, ये भी, वो इंडिया में तो अपन इसको बटवा स्टाइल बोलते ना वो है, और ये है वो सेट। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ पहनकर। ये है मेरा स्वारोस्की का नेक पीस, और ये इयररिंग पहनी है, ये तो डायमंड की है, और ये पहले की भी, इसका सेट नहीं है, बट मेरे को लगा इसका जो ये लटकन है और ये मैच हो रहा है, तो फिर मैंने ये पहन लिया। कभी भी बर्थडे में जाना रहता है तो सबसे बड़ा इशू यही रहता है कि गिफ्ट क्या खरीदे, तो हम लोग भी अभी वही डिसाइड कर रहे हैं लिफ्ट में। चलिए चलते हैं पार्किंग में, और रास्ते में सोचते सोचते जाएंगे कि क्या गिफ्ट ले। तो चलिए चलते। वैसे भी गिफ्ट चूज़ करने में इतना टाइम लग रहा था क्योंकि ना ये बच्चों के पास बहुत सारे टॉय रहते, तो हर बार ये सोचना पड़ता है कि नया क्या लें, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा था। तो मैंने वहाँ पे शूट नहीं किया, कंसंट्रेट पूरा ये किया कि गिफ्ट नया टाइप का क्या लेना है। और ये यूनिवर्सिटी सिटी एरिया है शारजा का, यहाँ से मतलब ना इतनी ग्रीनरी और इतना खुला है ये कि यहाँ से जब भी गुजरो बहुत अच्छा लगता है। तो जी, हम आ चुके हैं अलजादा में और अब जाने लगे हैं भाभी के घर। तो मैंने सोचा बहुत दिनों बाद व्लॉग बना रही, तो आप लोग को भी दिखा दूँ अलजादा। चलें, हम आ गए हैं और गिफ्ट कार में ही भूल गए, तो विक्की जा रहे हैं वापस कार में गिफ्ट लेके आने के लिए, वो खड़ी हमारी कार। जाते ही साथ हमने सरब को उसका गिफ्ट दे दिया था, और उसको ना लेगो से खेलना, कोई भी चीज़ ज्वाइन करके जो स्ट्रक्चर बनता है वैसे वाले टॉयज़ अच्छे लगते हैं। तो उसने जाते ही साथ गिफ्ट ओपन किया और कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया। फिर उसको कोई कंफ्यूजन हुआ तो वो भाभी से पूछ रहा था कि ये गलत क्या बना है, फिर भाभी उसको बताए। उतने में संदीप लोग भी आ गए। मम्मी पापा नहीं आए अभी तक? मम्मी पापा आंदे आंदे वीडियो बन रही भी आप लोग की भी। जो उनको अपने गिफ्ट की बहुत एक्साइटमेंट होती है ना, तो संदीप ने भी आते ही साथ सबसे पहले सरब को गिफ्ट दिया। सौ के टेबल के नीचे छुपी हुई है। बस फिर सरब ने सारा असेंबल कर लिया था, स्पेस सेंटर वाला टॉय, और फिर टॉय उसमें जो मेट्रो या ट्रेन थी उसको चलाना शुरू कर दिया था। सब लोग बहुत एक्साइटेड हो रहे थे उसको देखकर, और उसके साथ साथ जो वो कार आई थी या ट्रेन आई थी उस टॉय के साथ, उसके अलावा एक और छोटी टॉय
टॉय कार है वो भी चला रहा था सरब। फिर हम लोग किचन में आ गए थे अपना काम स्टार्ट करने के लिए, तो भाभी ने जो ड्रेस पहना था उसकी बाहें बड़ी फ्लफी थी, तो वो बोल थी इसको बांध दे साइड में नहीं तो काम करना ही मुश्किल हो जाएगा। और हम लोग यहाँ पे आए थे सब्जी रेडी करने के लिए, तो भाभी बना रहे थे मटर पनीर, तो मैं अभी फ्रीज़र से पनीर निकाल रही हूँ, उसको हम लोग डिफ्रॉस्ट होने के लिए रखेंगे। मीनवाइल बनाना स्टार्ट करेंगे मसाला, तो भाभी कट कर रहे हैं प्याज लहसुन वगैरह और मैं पनीर को डिफ्रॉस्ट करने के लिए रख रही हूँ। ऐसे मिलजुल के ही काम करते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ कोई हाउस हेल्प तो होती नहीं है, तो एक दूसरे की हेल्प करेंगे तभी एक मज़ा भी कर सकते हैं ना, नहीं तो किसी एक के घर जाएंगे वो काम करने में ही थक जाएगा। तो ये हमारा तरीका है एंजॉय करने का। और फिर यहाँ पे मैं वो इंस्टाग्राम पे मैंने सुन लिया था तेरा नहीं मैं, तो पूरे सुबह से लेके शाम तक मेरे को वही गाना मेरे मुंह से निकल रहा था। और यहाँ पे मैं छील रही हूँ मटर, और भाभी क्या बना रहे, पनीर मटर की सब्जी। मेरे नाल साग बने इंडिया तो आया सी। हाँ गोभी भी गुड़ भी पई है, मैं कहूँ एक सब्जी और बना लेंगे काट पैंदी है। अभी केक कटिंग हम लोग का बाकी है, तो व्लॉग में बने रहिएगा। एक्चुअल में भैया और विक्की गए हुए थे केक लेके आने के लिए, और वहाँ से साथ में सरब के मामा जी भी को लेकर आए थे, वो भी दुबई में ही है, मतलब यूएई में ही है, तो वो भी आए थे। तो अभी हम यहाँ पे केक कटिंग करेंगे। केक के साथ साथ हम सब ने खाए समोसे भी, और फिर हम लोग लग गए थे यहाँ पर रोटियाँ वगैरह बनाने के लिए। तो संदीप भाभी यहाँ पे आटा गूंथ रहे हैं। आज संदीप भाभी बना रही हैं फुलका, और बना हुआ है साग मटर पनीर और वो गोभी की सब्जी। हमारी प्लेटिंग स्टार्ट हो गई है, बच्चे लोगों को खाना दे रहे हैं, तो अभी तो गेहूं की रोटी बन रही। हम लोग जब बड़े लोग खाएंगे, जब साग के साथ हम खाएंगे मक्की की रोटी, और आज मक्की की रोटी बनाने वाले संदीप भाभी, तो मैं आप लोगों को उनके हाथ की मक्की की रोटी बताऊंगी, क्योंकि हरजीत भाभी और संदीप भाभी ना हाथ से बना लेते हैं मक्की की रोटी, वो तो मेरे से नहीं बनती, मैं पाटे पे हाथ से मारती हूँ। हाँ हरजीत भाभी के हाथ का तो मैं 2-3 बार देख चुकी हूँ, तो आज संदीप भाभी को मैंने रिक्वेस्ट की है स्पेशल कि आज आप रोटी बनाना। पर ये टफ है बनाना, मैं पाटे पे हाथ से दबा के बनाती हूँ। यही मेन है हमारा टास्क, अच्छा ओके। ये तो बहुत ही कठिन काम है, पर संदीप भाभी करते। वैसे भी हम लोग मेरे घर जब बनी थी तो संदीप भाभी बोल भी रहे थे कि मैं बनाऊंगी, मैं बना के तुम लोगों को देती हूँ। उस दिन तो टाइम नहीं लगा, तो मैंने बोला चलो आज आप ही बनाओ। ओके मैं रेस्ट ते हूँ, अंशल लगी है काम करन। पहला भी वैसे ओही लगी सी मेरे नाल सब्जी बनाण नूं, क्योंकि छूट उस हिसाब नाल हो रहा सी, ये ना दोनों दी क्लिप आ नहीं सी इहदे विच। बस फिर हम लोग का खाना वगैरह सब हो गया था, तो बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ना, तो हम लोग सभी, हम किसी के भी घर जाएं तो हम लोग मतलब एक दूसरे की हेल्प ही कराते हैं, जैसे कि मैंने व्लॉग की शुरुआत में भी बोला था। तो भाभी बर्तनों में साबुन लगा दे रहे थे और मैं धोकर स्टैंड पे लगा दे रही थी। इस तरीके से होता ही है कि एक दूसरे की हेल्प हो जाती है और अच्छा भी लगता है, पूरा बोझ किसी एक इंसान के ऊपर नहीं आता है। बस फिर ये सब काम करके फ्री हुए तो भाभी ने बोला चाय पी कर जाना, पर नेक्स्ट डे कोई और भी प्रोग्राम था जिसमें हमें अर्ली मॉर्निंग जाना था, इस वजह मैंने भाभी को बोला चाय मत बनाइए, अब हम लोग घर के लिए निकलते हैं। कैसा लगा मेरा व्लॉग कमेंट करके।